गर्मियों में ठंडे ठंडे शरबत सबको अच्छे लगते हैं ना पीने, और बनाने आसान हो तो पीने वाले को, बनाने वाले को भी मज़ा आता है ना। दोस्तों आज हम बड़ी हेल्दी शरबत रेसिपीज़ देखेंगे जो बहुत इजीली बनेंगी, डाइजेस्टिव होंगी, फ्रूट भी होगा उसमें, टेस्ट भी होगा। और खास ये बात रहेगी, हम रूह अफ़ज़ा से सभी रेसिपीज़ बनाएंगे। रूह अफ़ज़ा तो सबको अच्छा लगता है, आप रूह अफ़ज़ा ले सकते हैं, रोज़ सिर्फ कोई भी रोज़ शरबत ले सकते हैं, उससे हम आसानी से अलग अलग वेराइटी के शरबत बना सकते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे रूह अफ़ज़ा लेमनेड। लेमनेड बनाने के लिए नींबू तो चाहिए हमें, साथ में थोड़ा काला नमक चाहिए दोस्तों, ये भुना पिसा जीरा और थोड़ी काली मिर्च। हम 1 गिलास के हिसाब से आपको बताएंगे रेसिपी, तो सबसे पहले चलिए बना लेते हैं। 1 गिलास लें, उसमें डालें ठंडा पानी सबसे पहले, और उसमें अब हम डालेंगे रूह अफ़ज़ा। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप रूह अफ़ज़ा ऐड कीजिए और मिक्स कर लीजिए। तो देखिए रूह अफ़ज़ा आपको कितना मीठा चाहिए अकॉर्डिंगली ऐड कीजिए। मैं चीनी नहीं ऐड करी, सिर्फ रूह अफ़ज़ा से कलर और मिठास दोनों आ जाएगी। आपके पास किसी और कंपनी का कोई और रोज सिरप है तो आप वो ऐड कीजिए। अब मैं इसमें नींबू जोड़ रही हूँ क्योंकि हम लेमनेड बना रहे हैं, बड़ी अच्छी सी ये हाजमेदार रोज़ के फ्लेवर वाली शिकंजी बनकर रेडी होगी, तो 1 नींबू का रस 1 गिलास में ऐड कर दीजिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे चटपटा बनाने के लिए मसाले, मैं इसमें काला नमक ऐड कर रही हूँ, तो आधा टीस्पून से थोड़ा कम काला नमक और आधा टीस्पून से थोड़ा कम पिसा हुआ भुना हुआ जीरा वो ऐड करते हैं, और साथ ही थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे 2 पिंच के करीब, ताकि एक बड़ा ही अच्छा टेस्ट आए और राहत आए गर्मी से बहुत अच्छी। तो तीनों चीज़ों को हमने ऐड कर दिया है, सूखे मसालों को मिक्स कर देते हैं बहुत अच्छे से। लेमनेड रेडी है, इसे पीने से पहले इसमें खूब सारी बर्फ ऐड करेंगे, आप क्रश्ड आइस भी ऐड कर सकते हैं, और गार्निश करेंगे इसे लेमन स्लाइसेस से। तो देखिए ठंडा ठंडा हमारा रूह अफ़ज़ा लेमनेड बनकर रेडी है, इसे सर्व कीजिए और बताइए कैसा बना। तो ये बड़ी अच्छी रेसिपी है दोस्तों, रूह अफ़ज़ा पीते हैं ना आप उसको थोड़ा और डाइजेस्टिव बना सकते हैं, रिफ्रेशिंग बना सकते हैं, इस तरह से वेराइटी रहे कभी कभी पीने में तो अच्छा लगता है। तो ये तो फर्स्ट हमारी रेसिपी बनकर रेडी है, तो चलिए अगली रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। हम रूह अफ़ज़ा मोइटो बना रहे हैं। मोइटो में जनरली क्या होता है, हम क्या ऐड करते हैं, पुदीना, तो चलिए हम रूह अफ़ज़ा में भी ऐड कर देते हैं। और नींबू के कुछ कटे हुए टुकड़े हैं, ये छिलके के साथ नींबू मैंने छोटे छोटे काट कर रखे हुए हैं। अब आप कोई भी बर्तन लीजिए, उसमें इसको कूटेंगे, आपके इस तरह से कूटने वाला कुछ नहीं है तो आप ग्लास या कटोरी में भी आप कर सकते हैं। तो मैंने नींबू के कुछ कटे हुए टुकड़े डाले, 1 नींबू के टुकड़े, और साथ ही कुछ पुदीना के ताज़े पत्ते ऐड कर रही हूँ। तो इसे आप इस तरीके से हाथ से दबाते हुए थोड़ा थोड़ा प्रेस कीजिए ताकि नींबू से रस निकल जाए और पुदीने से फ्लेवर बाहर आ जाए। तो इस तरह से कूट लीजिए, हमने बारीक नहीं करना, जस्ट हमने प्रेस करना है कि हम नींबू से रस निकाल लें। तो देखिए अब मैंने इस तरीके से 5-6 बार अच्छे से प्रेस कर लिया, लेमन में से जूस आ गया बाहर, छिलके का भी स्वाद आ जाएगा, पुदीना भी कूट लिया है थोड़ा थोड़ा, तो जिससे कि पुदीने का भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो ग्लास में हम इसे ऐड करते हैं, और ऊपर से अब हम इसमें क्या डालेंगे, हम डालेंगे रूह अफ़ज़ा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप रूह अफ़ज़ा ऐड कीजिए कितना मीठा चाहिए। और अब इसमें डालेंगे ठंडा ठंडा पानी और खूब सारी बर्फ़, क्योंकि ये ठंडा नहीं होगा तो पीने में मज़ा नहीं आएगा। बर्फ़ के टुकड़े डालिए या फिर क्रश्ड आइस ऐड कीजिए और मिक्स कीजिए, और इसे ठंडे ठंडे ड्रिंक को सर्व कीजिए। मिनटों में बनने वाला रूह अफ़ज़ा मोइटो बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। पुदीने का और नींबू का स्वाद जब रूह अफ़ज़ा में मिक्स होता है ना, या रोज़ ड्रिंक में मिक्स होता है, तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है। देखिए ड्रिंक हमारा रेडी हो गया, मैंने लेमन के स्लाइस से इसे सजा दिए हैं, थोड़े पुदीना के पत्ते भी ऊपर आप सजा सकते हैं, ये भी पीजिएगा बनाइएगा। तो चलिए अगली रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रेसिपी जो नेक्स्ट है ना दोस्तों, मेरी बहुत ही फेवरेट है क्योंकि बहुत ही हेल्दी है। इसमें सब्जी के बीज हैं जिसे आप मार्केट में आसानी से ले सकते हैं, सब्जी के बीज लें, उन्हें भिगो दें थोड़े से गर्म पानी में, तो इस तरह से चिकने चिकने हो जाते हैं, फूल जाते हैं, बहुत ही क्रंची। आप बाहर फालूदा खाते हैं ना, आइसक्रीम्स खाते हैं, उस पर ये बीज ही डाले होते हैं, क्योंकि बहुत ही हेल्दी है खाने के लिए, आपका पेट भी भरा रहता है, स्किन के लिए, हेयर के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और कुछ सेब के टुकड़े हैं, मैंने बारीक काट कर रखा हुआ है सेब, ये बहुत ही ताज़ा और मीठा सेब है। अब 1 गिलास लेंगे, उसमें डालेंगे सेब के टुकड़े। 1 गिलास में आप 1 बड़ा चम्मच भर के कटे हुए सेब के टुकड़े ऐड कर सकते हैं। देखिए मैंने 1 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा भर के ऐड कर दिया सेब, ठंडा ठंडा सेब है, और ये मैंने रेस्टोरेंट में ड्रिंक ट्राई की थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने घर पर बनाई, घर पर भी अच्छी लगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सब्जा जो हमने भिगो के रखा हुआ था, ऊपर से डालते हैं हम रूह अफ़ज़ा टेस्ट के अकॉर्डिंग, और पानी डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। ये ड्रिंक दोस्तों जितनी ज़्यादा ठंडी होती है ना उतने पीने में मज़ा आता है, तो इसमें पानी ऐड करते हैं ठंडा ठंडा, और ऊपर से डालते हैं क्रश्ड आइस या फिर बर्फ़ के टुकड़े और मिक्स कर लेते हैं। जितनी ठंडी होगी ना उतना ही ज़्यादा दोस्तों इसे पीने में आएगा मज़ा, क्योंकि सेब ठंडा होकर और टेस्टी लगता है। तो ये ड्रिंक आप बर्फ डाल के खूब सारी सर्व कीजिए। देखिए आप जब आप इसे पियेंगे ना, तो सेब भी मुँह में आएगा, सब्जी का क्रंच भी मुँह में आएगा, कुछ कुछ टेस्ट आएगा रूह अफ़ज़ा का, पीने में बहुत मज़ा आएगा। तो आप ये ड्रिंक पिएगा क्योंकि इसे पीने के बाद आपको स्वाद तो अच्छा मिलेगा ही, साथ ही आपका पेट भी भर जाएगा। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ हैवी खा लिया, तो ऐसा ड्रिंक हो जिससे आपका पेट भी बिल्कुल अच्छे से दुरुस्त, आपको लगे पेट भर गया है, तो ये बहुत अच्छी ड्रिंक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
अगली रेसिपी हम तरबूज के साथ यानी वाटरमेलन के साथ बना रहे हैं। दोस्तों वाटरमेलन क्या होता है, कई बार फीका निकल आता है ना, कलर भी अच्छा नहीं होता, हम कहते हैं इतना महंगा इतना बड़ा तरबूज खरीदा, अब इसका क्या करें जी। इसका जूस बना सकते हैं आप रूअफ़ज़ा के साथ। तरबूज को रफली चॉप कीजिए, मिक्सर ब्लेंडर जार में डालिए, ऊपर से डालिए रूअफ़ज़ा टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको मिठास चाहिए और खूब सारी बर्फ़ ऐड कीजिए। अगर आपकी मिक्सी में बर्फ़ क्रश नहीं होती तो बर्फ़ आप बाद में ऐड कर सकते हैं। आप मिक्सर में बर्फ़ के टुकड़े डाल दीजिए और इसे बंद करके कर दीजिए ब्लेंड अच्छे से। इसे मिक्सी में चला लूंगी और इसे फिर छान कर हमारा जो मोहब्बत का शरबत, दोस्तों मोहब्बत का शरबत के नाम से ड्रिंक बहुत फेमस है, तो ये बनकर रेडी हो जाएगी। कुछ सेकंड्स मैंने मिक्सर को चला लिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा हमारा जो तरबूज था घुल गया है, रूअफ़ज़ा का फ्लेवर भी उसमें आ गया, बर्फ़ भी क्रश हो गई है, ठंडा हो गया सब। तो इसे आप क्या करते हैं, इसे छान लेते हैं और फिर सर्व करते हैं। किसी भी बर्तन पर स्ट्रेनर रखिए, बड़ी वाली छाननी रखिए और उसमें आप इसे इस तरीके से स्ट्रेन कर लीजिए। बहुत अच्छे से मैंने स्ट्रेन कर लिया, ये गाढ़ा गाढ़ा जो पल्प है ना ये पीने में अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें बीज है, तो ये नहीं मैं डाल रही हूँ, अच्छे से मैंने स्ट्रेन कर लिया। हमारा ठंडा सा रोज़ और मेलन का जो ये मोहब्बत का शरबत है ना बनकर रेडी है, इसे सर्व करते हैं। बहुत ही चिल्ड है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मेलन का भी फ्लेवर आएगा, रूअफ़ज़ा का भी फ्लेवर आएगा। तो आप इसे जब भी तरबूज अच्छा ना निकले तो आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइए। ऊपर से इस पर डालिए भुना जीरा और काला नमक ताकि इसका टेस्ट और बढ़ जाए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और हाँ, तरबूज मीठा निकला ना तब भी बना सकते हैं। भुना जीरा काला नमक मैंने मिक्स कर दिया, अब मैं ऊपर से और स्प्रिंकल कर रही हूँ इसे गार्निश करने के लिए और इसे अब मैं कर दूंगी सर्व ठंडे ठंडे शरबत को। तो देखिए ये भी हमारा रूअफ़ज़ा का जो बड़ा ही अच्छा मेलन का ड्रिंक मोहब्बत का शरबत बनकर रेडी है। आप ये ज़रूर बनाना और मुझे बताना आपको कैसा लगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों रूअफ़ज़ा की वेरिएशन ये शरबत की आपको अच्छी लगी होंगी, बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी क्योंकि टेस्ट और हेल्थ दोनों का ख्याल रखकर ये ड्रिंक्स बनाई गई हैं, आपको पीने में अच्छी लगेंगी। अगर आपको ये रेसिपीज वाकई बहुत अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये रेसिपीज़ फॉलो कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।